राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना साझा उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त मेरे साथ हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए क्यों तैयार हुए? आपको क्यों लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? जी क्यों नहीं लड़ना चाहिए, पहले ये तो बताइए। लड़ना चाहिए, सब लोगों ने मिलकर तय किया कि मुझे लड़ना चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं जी, लड़ूंगा। जी सर क्यों तैयार हुए? आपको था कि विपक्ष का बहुमत नहीं है, ये एक एक मैसेज देने के लिए आप तैयार हुए या और भी कोई कारण है? जी अब सब लोग, आप लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि नंबर नहीं है जी, ये एक ऐसा ऐसी परिस्थिति है जो दिन प्रतिदिन बदलती है। जी 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 सर, और अभी बहुत वक्त है चुनाव के दिन में। जी परिस्थिति फिर बदलेगी। जी ठीक है ना। जी और दूसरी बात की है, विचारधारा की लड़ाई है जी, हाँ केवल संख्या बल की लड़ाई नहीं है। सर आपका एक लंबा अनुभव रहा है एक प्रशासनिक अधिकारी के बाद अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी जर्नी को आप? देखिए मैं प्रशासनिक पदाधिकारी बनने के पहले शिक्षक था 2 वर्ष जी, 2 वर्षों तक जी पटना विश्वविद्यालय में। उसके बाद मैं प्रशासनिक सेवा में आया, फिर राजनीति में आया जी। मेरा बहुत लंबा अनुभव है जी, मेरे अनुभव का कोई भी व्यक्ति जी इस समय भारत की राजनीति में नहीं है। जी। सर विपक्ष में एक फूट दिख रही है द्रौपदी मुर्मू के आने के नाम के आने के बाद, आज मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया। मायावती कभी पार्ट नहीं थे, ये एनडीए बनाने के समय भी आपकी एक अहम भूमिका थी, तो क्या आप एनडीए के सहयोगियों से भी समर्थन मांगेंगे अपना? सबसे मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी से जी मांगा थी। जी सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या आप चर्चा करेंगे या आप समर्थन के लिए जाएंगे? हमने उनके यहाँ मैसेज छोड़ा है जी, अभी वहाँ से कॉल बैक नहीं आया है, फिर भी कोशिश करूंगा जी बात करने की और समर्थन मांगने की। क्या विपक्षी एक एकजुटता का प्रदर्शन है आपका राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना? बहुत बड़ी बात है जी कि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जी और एक उम्मीदवार तय किया है जी। मैं मानता हूँ कि हाल के दिनों में भारतीय राजनीति तो रही है जी, उसमें एक नई दिशा ये है जी। ठीक है।